सच्चा नाम बताया, बताइए देवक में कौन सी माँ विराजमान है? माला सुंदरी। क्या बात है? हाँ जी माला सुंदरी। ये इतनी बाला सुंदरी बैठी हैं, आप भी कुछ बता दो देवक में कौन सी माँ विराजमान है? सुन के बता, बोल दो कम से कम कौन सी माँ है, कौन सी? बाला सुंदरी। बोली सच्चे दरबार की जय, और बच्चे दरबार की जय, और हाथ उठा करके बोलेंगे कहा सच्चे दरबार की है तो रखना है हाथ ऊपर, डर रहे कैसे? जैसे झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा हमारा, ये झंडा सभी के पास है, नारी से छुपा कर मत रखो, जब भी नंबर आए ना सच्चे दरबार की इस झंडे को दिखा करके रखो, जेब में मत लगाओ उसे। बताइए कलकत्ते में कौन थी वहां विराजमान है? पता जब चलेगा जब सीखते कलकत्ता में कौन थी माँ विराजमान है? अरे थरे सिपटदा काली भाई, सारे के सारे एक साथ नहीं बोल रहे, सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय। उठा लीजिए हाथ भाजी साथ में मिलकर के, ओ महाता हाली, ओ महाता हाली। Thank you.
त्रिकूट पर्वत धाम बनाया और मेरी मां का सच्चा नाम बताया। बताइए त्रिकूट पर्वत पर कौन थे वहां विराजमान है? त्रिकूट पर्वत पर कौन थे वहां विराजमान है? वाह वाह, हिंदू धर्म और ऐसे कर उत्तम अति उत्तम। वैष्णो देवी कौन कौन गया जरा हाथ उठाना, तो सारा गुण बजाना। देखिए वैष्णो देवी आप लोग जाते हैं तो आप लोग ये नहीं देखते भी कहां जा रहे हैं, जाने से मतलब जिस पर्वत पर माँ वैष्णो की पावन गुफा विराजमान है उसी पर्वत का नाम त्रिकूट पर्वत है। कौन सा नाम है? अब तो नहीं भूलोगे क्या? भूल जाओगे? भूल जाओगे, याद रखोगे? कह दो याद रखना। सच्चे दरबार की उठा ली हाथ मिलकर के सभी हरिद्वार कौन कौन गया? सारे नहीं गए, हरिद्वार तो सभी गए होंगे, हमारे नजदीक पड़ता है, कलकत्ता दूर पड़ता है, मैं गया हूँ आपका पता नहीं। सच्चे दरबार की, दरबार की बताइए हरिद्वार में कौन कौन सी माँ है? हरिद्वार के अंदर सबसे पहले नंबर आता है गंगा माँ। कौन सी माँ? गंगा माँ, क्योंकि जब जाते हैं ना पहले उसी में डूब के मरे, मतलब पहले उसी में गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं, डूबने की बात नहीं है। सच्चे दरबार की सबसे पहले जाते हैं गंगा माँ में स्नान करते हैं, उसके बाद मनसा माँ और चंडी माँ के दर्शन के लिए जाते हैं। उठा लीजिए यार, ये आपके एग्जाम है, पास हो जाओ या फिर हो जाओ। और मिल करके ताली के साथ दरबार।